स्टूडेंट्स यस सर, यस सर, आज की क्लास में हम जो हमारा नया टॉपिक है कॉन्टोरिंग, कॉन्टोरिंग के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टोरिंग जो है बेसिकली क्या है, जमीन जमीन ये जो लेवलिंग का एक टाइप है, लेवलिंग का ही एक हिस्सा है, एक किस्म है, जिसमें लेवलिंग जमीन की लेवलिंग की जाती है और एक ऐसे अंदाज से की जाती है कि बाद में उसका मैप, उसका नक्शा, उसका खाका भी बनाया जाता है। और उस नक्शे की मदद से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, उसके प्लानिंग में और उसके यानी के प्रोजेक्ट के तय करने में, जगह के चुनने में कॉन्टूर मैप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और कॉन्टूर मैप के बारे में और मजीद जो जानकारी है, और ये कैसे करते हैं, इसका क्या नेचर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तमाम तो चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, जैसा आपके सामने एक खाका है, एक पिक्चर है, ताकि ये जो टॉपिक है ये इसको समझ में आ जाए आपको, इसलिए इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो काउंटरिंग का जो मामला है वो ऐसा इस किस्म से है कि ये जो काउंटरिंग है, काउंटरिंग का मतलब क्या है, काउंटरिंग मैप का मतलब क्या है, काउंटरिंग काउंटरिंग लाइन का मतलब, कॉन्टूर लाइन का मतलब क्या है, यानी कि जो जमीन पर एक आरएल्स, सेम आरएल्स फाइंड आउट करने का जो तरीका है, कौन सा तरीका स्टूडेंट्स? सेम आरएल फाउंड वैल्यू को फाइंड करने फाइंड करने का का तरीका। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पिक्चर है जो एक वाटर बॉडी की है। तो यहाँ पे जो जमीन है वो नीचे जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर ऊपर आएगी आहिस्ता आहिस्ता, इस तरीके से एक वैली टाइप, एक जो है आपके पॉन्ड टाइप, तालाब की तरह एक जमीन आपको दिखाई देगी। तो वहां पे अगर ये इस किस्म की जमीन है, ये तय करने के लिए हम क्या करेंगे, उस मकाम पर काउंटरिंग करेंगे, मुख्तलिफ स्टेशंस लगाएंगे, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी रखेंगे डिस्टेंस की, यानी कि इंटरवल्स रखेंगे, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट रखेंगे, यानी कि जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक कॉन्ट्रोल लाइन दूसरी कॉन्ट्रोल लाइन के दरमियान का, और कॉन्ट्रोल इंटरवल मतलब जो है आपके एक कॉन्ट्रोल और दूसरे कॉन्ट्रोल लाइन का जो आरएलएस का डिफरेंस है वो कॉन्ट्रोल इंटरवल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो चीजें जिसमें आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जो पैरामीटर है, एक जो टर्म है, वो उसका उसका ताल्लुक कॉन्टूर के आरएल्स या एलिवेशन से होता है, और एक जो टर्म है वो टर्म कॉन्टूर लाइन के आपस में जो डिस्टेंस है उससे उसका ताल्लुक है। जो डिस्टेंस से जिसका ताल्लुक है उसको हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहेंगे, और जो आरएल से या एलिवेशन से जिसका ताल्लुक है उसको काउंटर इंटरवल कहेंगे।
बोलना ये चाह रहा हूँ मैं कि क्योंकि आपको अभी इब्तिदा कर रहा हूँ मैं कॉन्टूरिंग की। इसमें क्या है, जमीन पर जो मुख्तलिफ इक्वल आरएल्स जब हम मालूम कर लेंगे, वो कैसे मालूम करेंगे वो तो आगे हम देखेंगे, आगे इक्वल आरएल्स मालूम कर लेंगे। तो इक्वल आरएल्स मालूम करने के बाद जो इक्वल आरएल्स है उसको एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे स्टूडेंट्स, एक इमेजिनरी लाइन इमेजिनरी लाइन, है। हाँ इमेजिनरी लाइन जो इक्वल आरएल से पास होती है उसको कंट्रोल लाइन कहते हैं। अब पेपर पे तो हम पेंसिल से लाइन बनाएंगे, शीट पर। अब क्या है, ये जब आप आरएल्स मालूम करें, आरएल्स मालूम करने के बाद इक्वल आरएल्स मालूम करें, इक्वल आरएल्स मालूम करने के बाद इक्वल आरएल्स के पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिए, मतलब कितने काम करें आप, तीन काम करें। पहला काम क्या करें, पहला जमीन पे आरएल्स मालूम करें डिस्टेंस के एतबार से और डायरेक्शन के एतबार से, जो मेथड्स हैं कॉन्टूरिंग के उस तरीके से आप आरएल्स मालूम करें, पहला काम। दूसरा काम, आरएल्स मालूम कर लेने के बाद जब आप यहाँ पर लेबोरेटरी में जब वापस आ गए तो आप क्या करें, वो आरएल्स के हिसाब से खाका तैयार करने की कोशिश शुरू कर दिए। उसके बाद इक्वल आरएल्स को ढूंढे, क्या करें, इक्वल आरएल्स को क्या करना है, सेकेंड स्टेज में क्या करना है, इक्वल आरएल्स को ढूंढना है सर। हाँ इक्वल आरएल्स को ढूंढना है। अब फॉर एग्जांपल आप 100 आरएल को आप उस खाके में ढूंढना चाह रहे हैं, तो ढूंढने का एक तरीका है, वो दूसरा तरीका भी मैं आगे बताता हूँ। तो अब आपको कई पॉइंट्स आ गए जिसका आरएल 100 है, ठीक है। यस सर। अब पूरे इक्वल आरएल्स कैलकुलेशन से आएंगे ये कोई जरूरी नहीं है, अब उसको इंटरपोलेशन करना पड़ता है जो आगे हम आपको बताएंगे। यानी कि जब आप अब तक जो आप लेवलिंग करे हैं, आप लोग लेवलिंग करे हैं ना प्रोफाइल लेवलिंग तक, तो यस कर रहे हैं, सर। तो यस कैसा सर। करते हैं हम आगे वहां पे फील्ड पर जाकर एक बेंचमार्क पे बैक साइड लेते हैं, फिर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हम इंटरनेट साइड लेते हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ता है तो चेंज करते हैं। इस तरीके से हम रीडिंग्स लेकर लेबोरेटरी में लौटते हैं, लौटने के बाद एच आई मेथड से या राइज एंड फॉल मेथड से हम आर एल्स मालूम कर लेते हैं, ये हमारा तरीका है ना। यस सर। जी हाँ ये जो तरीका यस सर। है, इस तरीके से थोड़ा सा और आगे आगे बढ़ना है। ये हो जाने के बाद, ये मुकम्मिल आ जाने के बाद हम इस ये जो डाटा हम फील्ड से लाए हैं, इस फील्ड के लाए हुए डाटा को के मदद से हम एक खाका बना देंगे। खाका बना देने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम उस खाके को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और ये गौर करेंगे कि कितने इक्वल आरएल्स आ सकते हैं, कितने इक्वल आरएल्स वहां पर आ आ सकते सकते हैं हैं। जो मैक्सिमम वहां पे जो इक्वल आरएल्स आ सकते हैं उनको, हर आरएल तो कैलकुलेटेड वहां रहेगा नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये 100 है ना आरएल, ये 100 100 आरएल है, ये सर। 99 है, तो 100 और 99 के दरमियान 99.5 आरएल भी तो होगा ना कहीं ना कहीं, यस सर। 99.5 कहीं ना कहीं 99.5 भी होगा, 99.1 भी होगा, 99.2 भी होगा, 99.3 भी होगा, ऐसा होते 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 100 तक पहुंचा हो। बात समझ में आपको, यस जमीन यानी कि सर। जमीन का जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता 99 से अचानक 100 पे चला गया, चला तो नहीं गया ना, नो सर। तो हमारे पास कोई स्टेप तो नहीं है ऐसा, जमीन कब आएगी अचानक चला जाए तो स्टेप रहना, आपका स्टेयर केस है ना, स्टेयर केस सीढ़ियां, सीढ़ी यस में सर। क्या यस क्या सर। रहता, अचानक आप ऊपर चले जाते, अचानक एक और एक स्टेप ऊपर चले जाते, तो वो जो पॉइंट पे आप क्या कर, वो पॉइंट पे क्या है आरएल, वहां पे अचानक ऊपर चला गया तो वो चेंज होते होते नहीं गया, यानी कि स्लोप वाला अगर इलाका है, जैसा कि हॉस्पिटल्स में जो स्टेयर केस रहता ना, स्टेयर केस हमारा, यस सर। हाँ वहां पे कैसा रहता, क्योंकि वहां पे ढकलने का भी मसला रहता, इसलिए वहां पे क्या है के स्लोप दे देते, स्टेप्स नहीं देते। सर बात डायरेक्ट समझे जैसे आपको, स्टेशंस पे भी वो ऐसा ही होती है यस सर, रेलवे स्टेशन पे भी स्टेशन। रहता। तो धीरे 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 लेवल बढ़ता ना यस सर। आप ये, क्योंकि मैं भी आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, कॉन्सेप्ट समझाना है मतलब आप समझना है। तो कैसा समझेंगे आप, मैं वही मिसाल दिया हूँ कि धीरे 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 अगर आप स्लाइंट यानी के एक रैंप बनाए हैं तो धीरे 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 ऊपर बढ़ेंगे ना हम। यस सर। अगर आप कोई पहाड़ यस से कूदना चाहते हैं तो पहाड़ से आप नीचे
छलांग मारना चाहते हैं तो अचानक ऊपर से नीचे कूद कूद जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल दीवार है, दीवार पे से आप नीचे आना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जंप, यू हैव टू जंप, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे वही तो आप समझिए कि ये जो आरएल है 98 है, ये 99 है, तो बीच में कौन सा आरएल हो सकता, सर नाइन 98 तो नाइन 98 नाइनटी एट सकता पॉइंट वन है नाइनटी एट पॉइंट सर, वन पॉइंट में एचपी कोई भी का, वायर हो सकता है सर। हाँ कोई भी आरएल हो सकता है। तो ये यस ऐसे सर। आरएल तो क्या करना है, इंटरपोलेशन के जरिए ढूंढना है। किसके जरिए ढूंढना है, इंटरपोलेशन के इंटरपोलेशन जरिए के जरिए इंटरपोलेशन के जरिए मैथमेटिकली हमको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ कर खाके पर उसको मार्क करना, मार्क करके ज्वाइन करना। जैसा कि यहाँ पे 100 आरएल को ढूंढे, पूरा ढूंढे ढूंढे, तो ये क्या है, राउंड आ गया। ये जो लेक है ना हमारा लेक, सर्कल आ लेक गया। में 100 आरएल किधर है बोल के सब पूरा देखे देखे देखे, तो 100 आरएल मिल गया हमको। एक तो सर्वे के जरिए मिला, एक इंटरपोलेशन के जरिए मिला। तो हम क्या करें, 100 आरएल के पॉइंट्स को जोड़ दिए तो ऐसा राउंड बन गया। उसी तरीके से 99 वाले आरएल को जोड़ दिए और एक राउंड बन गया, 98 वाले पॉइंट को जोड़ दिए और एक राउंड बन गया। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या बता रहा है आपको, आरएल इधर सेंटर की तरफ वो कम हो रहा ना, यस सर, सेंटर से दूर जा रहा है सेंटर तो डिस्टेंस की वास्ट तरफ, हो जाएगा। हाँ सेंटर की तरफ क्या हो जा रहा, आरएल कम हो रहा ना भाई, यस सेंटर से दूर जा रहे हैं तो आरएल बढ़ रहा और सर, सेंटर की तरफ आ रहे तो आरएल कम रहा सर, कम डिक्रीज हो कम हो रहा है। रहा है सर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जमीन है एक कटोरी की तरह है, एक जो जी है प्लेट की तरह है, यानी कि एक वैली की तरह है, एक पॉन्ड की तरह है, समझे ना। तो इससे सर, आप ये खाली ये पिक्चर देखने से, ये वाली पिक्चर देखने से आपको ये मालूम हो जाता है कि जमीन कैसी है। तो आपको वो जो कैलकुलेशन करें ना, आरएल वाला जो टेबल है हमारा, लेवल बुक वाला, उसमें पूरे आरएल ऊपर से नीचे तक आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मैप आपके सामने है तो आपको कोई पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं नहीं होगा, है, नहीं सर। आप सिर्फ देखेंगे कि आरएल किधर, कौन सी लाइन का आरएल कितना है, किधर कम हो रहा और किधर बढ़ ज्यादा बढ़ रहा। रहा है जी तो सर। सिर्फ खाके को देखने से इंजीनियर को ये समझ में आ जाता है कि जमीन का कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यानी के वो जो फीचर है, जमीन का जो फीचर है वो कैसा है मालूम हो जाता। यहां तक तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। यस सर अब यस। यहाँ पे देखिए, अब ये इस आरएल से आपको क्या मालूम हो रहा, अब मैंने बताऊंगा आप बताएंगे। सर अंदर जाने में इसी बढ़ रहा समय है, आ रहा है कि एक पहाड़ का बढ़ रहा तरह है है सर, सेंटर को जाने में बढ़ रहा है सेंटर की आरएल, तरफ जो जा रहे हैं सर, वो बढ़ रहा चला आ रहा है, सेंटर की तरफ सेंटर बढ़ता जा रहा है ऊंची सर। है सर इसमें। जी, रोल नंबर 43। यस सर। हाँ ये किस किस्म की जमीन है, सर ये गहराई वाली जमीन है सर। नहीं बेटा यहाँ लिखा हुआ भी है ना, हिल है ये, क्या है, सॉरी सर, सेंटर की तरफ इसका हिल, आरएल बढ़ा हुआ है सर, सॉरी सेंटर की तरफ आरएल बढ़ा हुआ है सर। और आगे की तरफ सेंटर से दूर की तरफ आरएल कम हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये एक टीला है, ऊंचाई क्या है वाली जगह सर। ये एक ऊंचाई वाली जगह है, ये एक हिल है, ये एक जो है टीला है, ये एक जो है आपके पहाड़ टाइप एक एरिया है, ठीक है। तो खाली ये पिक्चर देख लेने से आपको मालूम होगा कि जमीन का क्या मिजाज है, समझ में आया आपको। अब आप कल फ्यूचर में आप इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वहां आप सर्वे करके आप क्या बताएंगे, आप कॉन्टूर मैप बताएंगे, क्या बताएंगे बताइए। कॉन्टूर मैप और सर, आप अगर कॉन्टूर वो आरएल कैलकुलेट कर लेके इतनी बड़ी बुक बना लेके चले गए तो वहां पे कोई आपके बॉस और मैनेजर आपको देखने के लिए तैयार नहीं रहते। वो बताते हैं कि भाई आप कॉन्टूर मैप लाइए, आप ये हम पूरा आरएल पढ़ लेते हुए नहीं बैठते, बात समझ आपको। यस सर। ना तो आपका जो मैनेजर है, सर जो चीफ इंजीनियर है, जो आपका बॉस है, वो काउंट एलिवेशंस का रीडिंग्स पढ़ते हुए बैठेगा ना, उसको कुछ समझ में आएगा ना आपको समझाने आएगा। लेकिन अगर आप कॉन्टूर मैप बनाकर लेके जाएंगे,
आपको समझाने में भी आसानी हो जाएगी और अगले वाले बंदे को समझने में भी आसानी हो जाएगी। समझ में आपको? आप यहाँ पे देखिए एक और एक मिसाल दी गई है, ये बताइए रूल नंबर 7 बताइए, ये किस किस्म की जमीन है सर? इसकी जो सेंटर है सर वो कम रही है और आगे उसका बढ़ रही है, यानी लेवल इसका बाहर से बढ़ा जी। और ये डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन मतलब एक कटोरे टाइप जमीन है। यस सर। यानी कि एक वैली है। क्या है ये? वैली पूरा का हमारा सेंटर कम होता है और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे बढ़ता है। जी जी। अब आप देखिए ये जो ये क्या है, ये पहाड़ है। क्या है ये? पहाड़। तो यहाँ पे ये जो लेवल है ये लेवल क्या है 100 का है और ये वाला लेवल क्या है 105 का है, क्योंकि ये ओवरहैंगिंग भी है यहाँ पे। क्या है? ओवरहैंगिंग होने की वजह से कॉन्टूर लाइन आपस में क्रॉस हो गए। क्या हो गए? हमेशा याद रखिए आप, कोई भी इसी केस में कॉन्ट्रोल लाइन आपस में क्रॉस होते, कभी कॉन्ट्रोल लाइन दूसरे के कोई भी केस हो कॉन्ट्रोल लाइन कभी आपस में क्रॉस नहीं होते, क्योंकि कॉन्ट्रोल लाइन बनाया जाता है जहां पर इक्वल एलिवेशन है ना, कि ओवर हैंगिंग में हमारा जो कॉन्टूर लाइन होता है वो दूसरे को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि ये स्टेप की तरह है। देखिए ऊपर का एलिवेशन अलग है, नीचे का एलिवेशन सेम पॉइंट पे क्या हो गया? सेम पॉइंट पे क्या हो गया बताइए आप? आरएल अलग 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 आरएल है, डिफरेंट डिफरेंट हो गया। हाँ जी। अब ये क्या है? ये रिज लाइन का मतलब क्या है? ये ढलान वाली जमीन है। क्या है बोलिए आप? ढलान। देखो 100 है, 99 है और 98 है, 97 है। क्या मतलब हुआ इसका? ये डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो जमीन नीचे नीचे चली जाएगी। समझ में आई बात? यहाँ पे देखिए आप 97 है, 98 है, 95 है, 96 है और 100 है। तो ये क्या है? इधर जाएंगे तो वैली रहेगी, इधर जाएंगे तो हिल रहेगा। यस सर। इस तरफ क्या है? ऊंचाई वाला मकाम है और इस तरफ क्या है? ढलान वाला इलाका है। अब ये तो वही मैसेज है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको, डिप्रेशन समिट, समिट मतलब पहाड़ वाला इलाका, डिप्रेशन मतलब वादी, यानी के गड्ढा वाला सर। हाँ, यानी के जो वादी बोलते हैं ना उसको उर्दू में, ये वर्टिकल क्लिफ बोलते हैं। ऐसा पहाड़ कभी ऐसा ऐसा भी आया था, अचानक नीचे चले आता वर्टिकल दीवार की तरह। यस सर। तो उसका मिजाज ऐसा रहता। सैडल का मतलब देखिए आप, ये इस तरफ जो वो है आरएल है वो कम होता, इधर से इधर कम होता, इधर से इधर कम होता, इधर से इधर कम होता, यानी कि चारों तरफ से जमीन नीचे होते 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 एक मकाम पर जमा हो जा रही है। ये भी वैली की तरह इलाका है। अब ये ब्लॉक लेवलिंग का एक पिक्चर में रखा हूं, ये मैं आपको लेबोरेटरी में मैं जब समझाऊंगा ना ये चीज, सेम चीज काउंटरिंग को मैं एक बार फिर लेबोरेटरी में भी समझाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर भी आप सुन लीजिए, कोई मसला नहीं है। ये भी क्लास रिकॉर्डेड है, आपको इसका जो लिंक है वो दे दिया जाएगा और उसमें भी आप दोबारा इस क्लास को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक लेवलिंग का एक खाका दिया गया है, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये देखिए आप, ये 90, ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ये जो लाइन जा रही है, यस सर, ये 98 है, ये 94 है, तो बीच में 97 है ना? यस सर, 97 तो आएगा ही। तो 98 है, 96 है, यानी यहाँ पे भी 97 आएगा। यस सर। ये 98 है जहाँ मेरा वो है कर्सर है, 98 है, 96 है, तो यहाँ पे 97 आएगा ना कहीं ना कहीं। अब कहाँ आएगा वो मैं भी अभी नेक्स्ट पेज में बताऊंगा आपको। तो यहाँ ये दोनों के बीच में 97 आएगा। यस सर। दोनों के बीच में 97 आएगा।
यस सर यस सर लेकिन 98.5 98.7 इसके बीच में 97 नहीं आएगा यस सर नो सर अब आगे बढ़ेंगे हम तो ये 98.6 98.5 96.95 तो इसके बीच में भी 97 आएगा और 98 96 यहां पे भी आएगा 96 99 यहां पर भी आएगा उसके बाद 98 95 यहां पर भी आएगा 95 97.7 यहां पे भी 97 आएगा ऐसा होते 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 हम एक लाइन बना दिए पूरा जहां जहां 97 आया कहां कहां बनाए बोलिए ये तो आरएल का ग्राफ बन गया सर हां वेरी गुड आरएल का ग्राफ जो बनाते हैं ना हम उसी को काउंटूर लाइन और उस और मुकम्मल लाइंस को काउंटूर मैप बोलते हैं क्या बोलते हैं बोलिए ये पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं काउंटूरिंग ये पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं काउंटूरिंग क्या है काउंटूरिंग में पहले आप जो हमारा मेथड है मेथड ऑफ काउंटूरिंग रेडियल मेथड या ब्लॉक लेवलिंग मेथड उसे आप फील्ड का डाटा कलेक्ट करके आना उसके बाद जो डाटा कलेक्ट करके लाए उसके हिसाब से खाका बनाना खाका बनाने के बाद इक्वल आरएल्स को ढूंढना इक्वल आरएल्स को इंटरपोलेशन के जरिए ढूंढने के बाद इक्वल आरएल्स को आपस में जोड़ देना जैसा अभी आपको मैं बताया हूं जैसा हमारे साथी बताए हैं कि इनका एक मतलब ग्राफ है ये यकीनन आप इसको ग्राफ बोल सकते हैं और इसी अभी मैं क्या बोला आपको इक्वल आरएल्स मालूम कर लेना और इक्वल आरएल्स को आपस में जोड़ देना जोड़ देने के बाद जो खाका तैयार होता है उस खाके को बोल उस वो उस खाके को बोलते हैं काउंटूर मैप और वो जो लाइन जिससे आप जोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं काउंटूर लाइन और काउंटूर लाइन और काउंटूर लाइन के दरमियान का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट एक काउंटूर लाइन और दूसरे काउंटूर लाइन के दरमियान जो एलिवेशन का डिफरेंस है डिफरेंस ऑफ एलिवेशन है उसका आरएल अलग है इसका आरएल अलग है ये जो आरएल्स का डिफरेंस है इसको बोलते हैं काउंटूर इंटरवल ये तमाम चीजें आपको याद रखना है और ये तमाम प्रोसीजर को बोलते हैं काउंटूरिंग यहां तक आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या समझ में आ चुका है ये फिर क्लियर सर जी सर सेवन पेज भी दिखा दिए सर जी सेवन पेज भी दिखा दी सिक्स पेज है ना सर हाँ एक मिनट रुकिए सर यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं ना सर कि जैसे कि हम किसी भी पहाड़ को या फिर नदी को या पॉन्ड को सब जो देखते हैं सर उसको एक मैप के जरिए सर हम एक पेपर पर जो डालते हैं सर यानी कि 3D मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम 2D में एक लाइन के जरिए कॉन्ट्रोल लाइन के जरिए हम मैप पर प्रेजेंट कर देते हैं एक शीट पे 2D पे जी तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं काउंटरिंग जी अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगर ये भी पिक्चर आप समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है अब यहाँ पे जो मैं कैलकुलेशन बताना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर में ये 94.65 है ये 98.75 है लेकिन हमको क्या होना 97 होना 97 क्या होना भाई 97 इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो होगा ना श्योर सर होगा सर ये कौन से डिस्टेंस पर है का एक कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए आप ये हमको पॉइंट करना है इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन ऑफ काउंटूरिंग क्या बोलते हैं इंटरपोलेशन ऑफ काउंटूरिंग जी अब यहाँ पे देखिए इसके लिए हमको क्या चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए और बी के दरमियान फॉर एग्जांपल पॉइंट ये इस पॉइंट का नाम ए है इस पॉइंट का नाम बी है फॉर एग्जांपल तो ए और बी के दरमियान का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है फॉर एग्जांपल 10 मीटर है और वर्टिकल डिफरेंस क्या है यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्या है अभी सर, ए से बी तक का डिस्टेंस दूरी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर ए साइड से दूसरे साइड के बीच की दूरी ए यानी कि हॉरिजॉन्टल एक पॉइंट बहरहाल हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट एक कॉन्टोर लाइन और दूसरे कॉन्टोर लाइन के दरमियान के फासले को बोलते हैं अब यहाँ पे उसको मत बोलिए आप यहाँ पे जैसा मैं बता
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए और बी के दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 10 मीटर का है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है मतलब आरएल, आरएल कितना है डिफरेंस, एक तरफ 100 है, एक तरफ 100.75 है, एक तरफ 98.75 है, ऊपर क्वेश्चन में ये मिसाल दे रहे हैं आपको, मिसाल फॉर एग्जांपल। तो कितना हो गया वो 2 मीटर हो गया, यानी कि वर्टिकल डिफरेंस। कॉन्टूर कितना होना आपको, कौन सा कॉन्टूर होना, एक तरफ 100.975 है, एक तरफ 98.75 है, आपको क्या होना उसके दोनों के बीच में कौन सा आप ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, पर 99 ढूंढ रहा हूँ मैं, कॉमन पॉइंट क्या क्या ढूंढ रहा हूँ मैं 99 जो है। तो अभी इसका कैसा है 99 वाला कॉन्टूर चाहिए ना, तो 99 माइनस 98.75 इधर से मैं ढूंढ रहा हूँ, 98.75 से आगे कितना डिस्टेंस पर है, तो 0.25 इनटू 10/2, 10 क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, 2 क्या है वर्टिकल लेवल डिफरेंस, 1.25 मीटर कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए। आंसर क्या है हमारे को, 1.25 मीटर फ्रॉम बी से, ये किसमें से माइनस करें आप 98.75 से माइनस करें ना, तो 98.75 किसका आरएल है, ए का आरएल है, ए से कितना डिस्टेंस हो गया 1.25 पे कौन सा आरएल है पॉइंट ए का 99 का आरएल का, यस सर 99 जिसको आप ढूंढ रहे थे ना भाई, यस सर उसमें से तो माइनस किया सर, यस सर। तो इस तरीके से आप इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन ऑफ कॉन्टूर। अब यहाँ पे देखिए आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भाई साहब हैं ये 97 ढूंढे, क्या ढूंढे 94.65 98.75 के बीच में ढूंढे, यहाँ पे 96.75 98.5 के बीच में ढूंढे, ऐसा ढूंढे गेज फॉर्मूले से ढूंढे, ठीक है, यस सर यस सर। तो इसको आप फिर भी एक बार समझना चाह रहे हैं, तो क्या है डिस्टेंस ऑफ 99 मीटर कॉन्टूर लाइन फ्रॉम ए इज इक्वल टू क्या है, ए 10 का मतलब आप फॉर्मूला लिखना है तो आप कॉपी में लिख लीजिए, 10 का मतलब क्या है फॉर्मूले में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है वर्टिकल लेवल डिफरेंस इनटू क्या है 99 माइनस 98.75, यानी कि वो आरएल जो आप ढूंढना चाह रहे हैं वो आरएल जहां से आप ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है, यस सर यस सर। तो यहां तक मेरे ख्याल से जो इस टॉपिक का मैं नाम भी रखा हूं बेसिक्स ऑफ यानी के कॉन्टूरिंग, ये आप समझ गए होंगे, और आगे की जो भी क्लास हमारी रहेगी उस क्लास में हम और इसका एप्लीकेशन कैसा है, और लेबोरेटरी की जो क्लास रहेगी उसमें भी कॉन्टूरिंग ही करना है, वहां पे भी कुछ इसी किस्म के चीजें रिपीट होंगे, और जो मेथड्स हैं एक रेडियल मेथड ऑफ कॉन्टूरिंग है एक ब्लॉक लेवलिंग है, दोनों चीजें आपको समझाने की सीखने समझने देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यस सर यस सर। ओके सर, यहां इस सब्जेक्ट में मतलब यहां तक अगर आप कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास कुछ पूछना चाह रहे हैं कॉन्टूरिंग के बारे में आज जो क्लास हुई है उसमें आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछिए फिर मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, सर इसमें कौन सा अपैरेटस यूज होता है कंपास, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे जो भी करे, तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा अपैरेटस यूज होता है, हमारे को डंपी लेवल चाहिए या ऑटो लेवल चाहिए उसका एक्सेसरीज के साथ स्टैंड के साथ, और जो लेवलिंग स्टाफ है लेवलिंग स्टाफ चाहिए, फिर चेन चाहिए ताकि डिस्टेंस मालूम कर सकें, टेप चाहिए ताकि और भी कोई डिस्टेंस मालूम करना है तो हम मदद ले सकें, और एरोस चाहिए ताकि पॉइंट्स लगा सकें, और जो है पेग चाहिए ताकि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लगा सकें, और जो है आपके
रेंजिंग रॉड्स चाहिए ताकि निशानात को एक कतार में लगाएं, यानी कि आप कंपास भी चाहिए ताकि लोकेशन मालूम हो। आप प्रोफाइल लेवलिंग करें है ना? यस सर। प्रोफाइल लेवलिंग में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं? तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काउंटरिंग में भी हमको चाहिए। क्रॉस स्टॉप भी चाहिए सर। क्रॉस स्टॉप भी चाहिए सर। जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किया वो सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज हमारे प्रोफाइल लेबलिंग में हुआ जी। अभी काउंटरिंग में भी होगा सर। इसमें स्टेशन बहुत ही कम दूरी पे रखनी होगी। स्टेशन जो है वो ऐसे मकाम पे रखेंगे जहां से मैक्सिमम पॉइंट्स नजर आए। अगर पॉइंट्स नजर नहीं आते हैं तो हम स्टेशन शिफ्ट करें। और जो आखिरी रीडिंग होगी तो वो फोरसेट हो जाएगी, और जो अगले स्टेशन से पहली रीडिंग होगी वो बैकसेट होगी। तो यहाँ पर हमारा आज का बेसिक है काउंटरिंग का, वो मुकम्मल होता है। अगले क्लास में हम आपसे जरूर मुलाकात करेंगे।